स्वागत है द न्यूटिकल चैनल में। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज मैं करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग हमारे एप्पल के लेटेस्ट डिवाइस की, जो कि है हमारा आईफोन SE 2022। इस फोन को देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत ही कम हमारी कंपनियां हैं जो हमें देती हैं कॉम्पैक्ट साइज में डिवाइसेस। और एक्चुअल में मैं बताऊं, सारे डिवाइसेस आजकल बड़े बड़े आते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट साइज में होल्ड करने में डिवाइस बहुत ही मस्त लगता है, बहुत क्यूट लगते हैं। तो इसको देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। वैसे इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 64 GB वाला जो हमारा वेरियंट है आपको 44,000 रुपीज के प्राइस में मिल जाता है। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसा है हमारा फोन। So, व्हाइट कलर में है मेरे पास ये डिवाइस और ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो बिल्कुल हमारा सेम लग रहा है जैसे हमारा SE 2020 था। ये रहा मेरे पास रेड कलर में SE 2020, बिल्कुल सेम वैसी लुक आ रही है इस नए वाले की। कहीं ऐसा तो नहीं व्हाइट कलर में मेरे को पुराना वाला दे दिया गया हो? नहीं, ये नया वाला ही है और सेम लग रहा है बिल्कुल। मतलब अच्छा हो गया बाय चांस मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर ले लिया, वरना अगर रेड कलर ले लेती तो बताना मुश्किल है कि कौन सा 20 वाला है कौन सा 22 वाला है। फटाफट से मैं इसको सेटअप करती हूँ, आपको बताती हूँ कि फोन के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। डिवाइस को मैंने यहाँ पे सेटअप कर लिया है और थोड़ी देर हुई है यूज करते हुए, तो मुझे इतना मजेदार डिवाइस ये नहीं लगा। बताती हूँ सब कुछ कैसा कैसा लगा डिवाइस। और जो लोग होते हैं ना जिनको सिर्फ एप्पल का ही फोन लेना है, उनके लिए इसी बजट में और कौन सी एप्पल की ऑप्शन आती है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे कई सारे लोग कमेंट करते हैं मुझे कि आप हमेशा एप्पल की तारीफ करते हो, कभी बुराई नहीं करते हो, तो ये वीडियो आ गया है जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या दिक्कत है फोन के अंदर। मतलब यार, अगर फोन अच्छा निकाला है कंपनी ने, चाहे कोई भी कंपनी हो, तो मैं उसकी तारीफ ही करती हूँ। लेकिन अगर किसी फोन में दिक्कत है तभी तो मैं उसके आपको पॉइंट बताती हूँ कि किस चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आप उस फोन को खरीदते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवाइस के डिजाइन के बारे में। अब डिजाइन मैंने आपको बताया जो लास्ट टाइम का था हमारा 2020, उसी जैसा बिल्कुल सेम आपको यहाँ पर डिजाइन मिल रहा है। बैक साइड से बिल्कुल सेम है, पोर्ट सेम है, साइज सेम है, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे क्या है कि ये चीज मुझे अच्छी लगी कि चलो बैक का डिजाइन जो है अगर सेम भी रखा तो वो देखने में हमारा काफी अच्छा लगता है। मतलब ग्लास बॉडी मिलती है, प्रीमियम फील आती है जिसके अंदर, एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग मिलती है जिसके अंदर हाथ में होल्ड करने में डिवाइस को सॉलिड भी लगता है। उसके साथ इस डिवाइस का वेट हमारा कम है, 145 ग्राम्स का है, तो एक हाथ से इजीली आप होल्ड कर सकते हो। एजेस जो है हमारे कर्व्ड है जिसकी वजह से ग्रिप में भी आ जाता है पूरी तरह, और एक हाथ से अगर कुछ टाइप करना हो या सेल्फीज क्लिक करनी हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिवाइस को आराम से आप यूज कर सकते हो। मतलब कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से तो क्यूट है डिवाइस। लेकिन प्रॉब्लम मुझे यहाँ लगी कि यार फ्रंट साइड में कोई चेंज ही नहीं किया। मतलब जो हमारे फ्रंट साइड में पहले से बीजल्स आ रहे थे इतने बड़े बड़े, ये अभी तक आ रहे हैं। अब यार यहाँ पे तो मुझे लगता है चेंज करना चाहिए था एप्पल को। मतलब 2016-17 में देखें ये डिजाइन आया था नया नया, और उसके बाद अभी 5-6 साल हो गए हैं, 2022 में भी आप ये सेम डिजाइन कैसे दे सकते हो? बहुत ही अजीब लगते हैं यार इतने बड़े बीजल्स अप साइड में, डाउन साइड में, चिन साइड में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा डिवाइस का डिजाइन फ्रंट साइड से। उसके साथ वैसे आपको बीजल जो ऊपर वाला है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे ईओपीस आता है, साथ ही हमारा सेल्फी कैमरा आता है 7 मेगापिक्सल का सेम। नीचे की साइड हमारा होम बटन है जो कि एक्चुअल में फिजिकल वाला बटन नहीं है, लेकिन उसका जो हैप्टिक है वो इतना स्ट्रांग है कि आपको लगेगा कि वो एक एक्चुअल बटन है। उसी के अंदर हमारी टच आईडी आती है जो कि बहुत ही फास्टली वर्क करती है और सिक्योर्ड होती है, और अच्छा है अभी कोविड टाइम में एक्चुअल में यूज करने में के लिए आपके लिए बढ़िया रहती है। मास्क उतारना नहीं पड़ेगा, सीधा आप यूज कर सकते हो डिवाइस को। इसके साथ बैक साइड में हमारा सिंगल कैमरा आता है 12 मेगापिक्सल का, और आपकी एप्पल की बैजिंग है। नीचे की साइड हमारे पास स्पीकर ग्रिल है, उसके साथ माइक है, साथ ही है हमारे यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट। राइट साइड में हमारे पास पावर बटन के नीचे सिम ट्रे आती है जिसमें आपको डुअल सिम डालने की ऑप्शन मिलती है, और आपको यहाँ पे 5G सपोर्ट मिल जाता है वो भी मल्टीपल बैंड्स में। टॉप साइड क्लीन है। उसके साथ लेफ्ट साइड में हमारे पास आता है यहाँ पे साइलेंट बटन, उसके नीचे है वॉल्यूम कीज, और ओवरऑल देखा जाए तो व्हाइट कलर में डिवाइस एक्चुअल में काफी प्यारा लग रहा है देखने में। इसके साथ इस डिवाइस के अंदर आपको IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है। मतलब यहां मुझे लगता है कि यार IP68 ही मिलनी चाहिए थी, थोड़ी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए थी। अब 67 में क्या है कि एक्सीडेंटली पानी गिर जाता है तो आपका डिवाइस थोड़ा बच जाता है, या हल्की बारिश में आप निकालो,
68 में ये होता है कि अगर पूल साइड भी बैठे हो तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, अगर पूल में गिर भी जाता है फोन, यहाँ थोड़ा रिस्की मामला रहता है। सो ये तो हो गया हमारे डिवाइस का डिजाइन। अब अगर मैं बात करूँ डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, तो 4.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले हमें मिलता है, जिसके अंदर आपको HD रेजोल्यूशन मिलती है और उसके साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट। मतलब डिस्प्ले की मैं बात करूँ तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। मतलब आज के टाइम के हिसाब से बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, लॉजिकली नहीं लग रहा मुझे। मतलब 60Hz का रिफ्रेश रेट, IPS LCD का जो पैनल है उसमें HD रेजोल्यूशन में आपको मजा कैसे आएगा यार? 40,000 रुपए, मतलब 44,000-45,000 रुपए इसके बजट में ये डिस्प्ले थोड़ी मिलना चाहिए था। आप इसके तो मूवीज वीडियोस देखोगे आपको बिल्कुल ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, फन नहीं आएगा। एक तो बीजल्स भी इतने बड़े बड़े से हैं तो छोटा हो गया आपका स्क्रीन साइज। उसके अलावा कलर्स, ब्राइटनेस आपको वो वाली नहीं मिल रही, मतलब जो OLED पैनल में हमें मिलती है, तो मजा नहीं आने वाला यहाँ पे। और 60Hz का रिफ्रेश रेट है, आप यहाँ पे कार रेसिंग वाली गेम्स को खेलोगे तो उसमें भी आपको कोई ऐसी कोई खासा स्मूथनेस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। इसके अलावा ऐसे ऑडियो पुट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डुअल स्पीकर्स आते हैं हमारे पास, जिसमें आपको काफी लाउड और क्लियर साउंड यहाँ पे मिल रही है। साथ ही अगर आप मेन मुद्दे की बात करें जो कि हमारे डिवाइस की परफॉर्मेंस, तो फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। आपको यहाँ पे A15 बायोनिक चिपसेट मिलता है, जिसमें iOS 15 का यहाँ पे आपको OS मिल जाता है। और इसके अलावा देखिए, मतलब तगड़ी परफॉर्मेंस तो है, हालांकि इसका एंटूथ स्कोर जो मैंने टेस्ट रन किया वो हमारा थोड़ा कम आया है, 7,34,000 आया है। लेकिन वैसे आपके डेली टास्क जो है वो डिवाइस के अंदर आराम से हो जाते हैं, आपको जो नए लेटेस्ट iOS फीचर्स हैं वो सारे इस डिवाइस के अंदर मिल जाते हैं। गेमिंग की मैं बात करूं तो आप जैसे BGMI जैसी हमारी हैवी गेम्स हो गई, उनको आप एक्सट्रीम फ्रेम रेट पे खेल सकते हैं अल्ट्रा हाई ग्राफिक्स के साथ, तो वहां पे ठीक है। लेकिन छोटे छोटे अगर आपके हाथ हैं तो आप इसके अंदर गेमिंग खेल सकते हैं। वैसे अगर आपके जैसे मतलब नॉर्मल भी हाथ हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी गेम खेलने में इस डिवाइस के अंदर। और वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब डिवाइस के जैसे डिस्प्ले इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो गेम चल रही है हमारी, लेकिन डिस्प्ले वाइज आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब मूवीज वीडियोस को नहीं इंजॉय कर पाओगे, उसके बाद गेमिंग को भी नहीं इंजॉय कर पाओगे, फिर आप परफॉर्मेंस का क्या करोगे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। यहाँ परफॉर्मेंस तो दे दी पर डिस्प्ले अच्छा नहीं है, तो सारी गड़बड़ हो गई। इसके साथ डिवाइस की बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एप्पल का क्लेम है कि बैटरी उन्होंने इम्प्रूव कर दी है लास्ट टाइम से। ये मैं आपको रिव्यू में सारी टेस्टिंग करके बताऊंगी कि एक्चुअल में आपको बैटरी बैकअप अब कैसा मिलता है। मतलब पहले वाला तो हमने चेक कर लिया था, अब कैसा है बैटरी बैकअप सब कुछ रिव्यू में पता चलेगा आपको। इसके साथ जैसे चार्जिंग की बात करें तो 20W का चार्जर आप बाहर से खरीद सकते हो, जिसमें एप्पल का क्लेम है कि आधे घंटे में वो 50% कर देता है। एक्चुअल में तो क्या होता है, उसके बाद जो बाकी का 50% है ना, वो बताता है एक्चुअल टाइम क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो यहाँ पे 20W का अगर फास्ट चार्जर, फास्ट भी बोल सकते हैं इसको, 20W का अगर आप चार्जर खरीदोगे बाहर से तो आपको वो 2,500-2,500 रुपए के प्राइस में मिल जाता है। वैसे बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो कि लाइटनिंग 2 टाइप सी वाली केबल हमारी यहाँ पे मिल जाती है, एक स्टिकर है, डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारी इंजेक्शन पिन है, बाकी बॉक्स हमारा कुछ नहीं है उसमें। साथ में वैसे आपको इस डिवाइस के अंदर मिल जाती है वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट, वो भी सिर्फ 7.5W की। इसके अलावा डिवाइस के अगर मैं कैमरास की बात करूं तो सेम आपको यहां पे सिंगल कैमरा मिल रहा है 12 मेगापिक्सल का बैक में, और उसके साथ फ्रंट में मिल रहा है 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब यहां पे क्या है कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करी गई है, थोड़ी सी ही कह रही हूं क्योंकि मैंने अभी जो हमारा SE 2020 के साथ थोड़ा सा कंपेयर किया था तो मुझे ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। वैसे इन दोनों डिवाइसेस का डिटेल कंपैरिजन आपको जल्द मिल जाएगा कि जिनके पास SE 2020 उनको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, ये मैं आपको उस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। वैसे कैमरा वाइज ज्यादा कुछ अपग्रेड नहीं है। इसके अलावा वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने सैम्पल्स क्लिक किए हैं उनके अंदर आपको डिटेलिंग जो है वो काफी ठीक मिल जाती है। मतलब एप्पल की यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात करूँ तो वो अच्छी निकल के आती है। उसके साथ आप देख सकते हैं सन में जो मैंने पिक्स ली है उनके अंदर आपको एक्सपोजर अच्छे से कंट्रोल्ड है, डायनेमिक रेंज आपको काफी अच्छी मिलती है, बुके मोड के अंदर भी बैकग्राउंड डिटेलिंग को ये अच्छे से कैप्चर कर लेता है, मतलब ऐसा नहीं कि ब्लोन आउट हो जाता है अगर तेज सन हो पीछे। इसके अलावा सेल्फी कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप नेचुरल इफेक्ट आपको वैसे देखने को मिलता है नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल में लेते हैं सेल्फीज, और उसमें अंदर आपको डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है, एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है, स्किन टोन को अच्छे से कैप्चर कर पाता है, ऐसा नहीं कि लाइट में भी खड़े हैं तो ब्लोन कर दे उसको आपके फेस को, नहीं, कहीं पे भी बर्न नहीं करता। और जो स्टूडियो इफेक्ट्स, लाइटिंग इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं उसके अंदर भी आप देख सकते
हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे अपने फिल्टर्स लगा के सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं, तो कोई ना कोई चूज करके आपकी मतलब ऑलमोस्ट ठीक ठाक सी सेल्फी यहाँ पे आ जाती है। और वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो आपको OIS का सपोर्ट मिलता है बैक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो सैंपल हमारा जो है, जिसके अंदर आपको काफी अच्छे यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिल रही है, एक्सपोजर भी अच्छे से मेंटेन कर रहा है, मतलब वैसे एप्पल की वीडियोग्राफी हमारी कमाल की होती है। सेल्फी वीडियो सैंपल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको स्टेबलाइजेशन ओके ओके लगेगा। उसके साथ आपको यहाँ पे टाइम लैप्स शॉट लेने की ऑप्शन, स्लो मोशन लेने की ऑप्शन भी मिल जाती है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि सिनेमैटिक मोड्स जो हमारे नए आए थे वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलते। सो ये था हमारा डिवाइस, जो कि एक्चुअल में आपको बताऊं तो मुझे इतना कोई खास बढ़िया नहीं लगा, मतलब मेरे हिसाब से डिवाइस जिस प्राइस पर लॉन्च किया गया है मुझे वर्थ नहीं लगा। एमी खामखा कोई फोन बस लॉन्च करना था एप्पल ने तो कर दिया मेरे हिसाब से। मतलब अगर आपको इसी बजट में चाहिए एप्पल का ही डिवाइस तो सेम प्राइसिंग में, मतलब 42,000-43,000 रुपीज के प्राइस में हमारे पास आ जाता है आईफोन 12 मिनी, जो कि इससे एक्चुअल में काफी बेटर है। और वैसे बताऊं कई बार ऑफर चलती है ना, तो ये 39,000 रुपीज में भी मिल जाता है। तो ये डिवाइस के साथ इन दोनों को मतलब मैं कंपेयर करके आपको डिटेल में बता दूंगी कैसे ये हमारा बढ़िया है। वैसे जनरली बता रही हूँ कि ये बढ़िया है। सो ये था हमारा डिवाइस, हमारा आईफोन SE 2022। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फोन कैसा लगा, क्या इसका बढ़िया लगा फीचर, क्या बढ़िया नहीं लगा, कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर दें।